नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पांडे आप लोगों का इस ब्लॉगिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं चंद्रकांता किले की तरफ। आज हम आप लोगों को चंद्रकांता किला, जिसे तिलस्मी किला और विजयगढ़ किला के नाम से भी यह किला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, चंद्रकांता जो की एक रचना है देवकी नंदन खत्री जी की, और 1994 से 1996 के समय डीडी नेशनल पे यह सीरियल आया करता था, और इस सीरियल ने चंद्रकांता किले को प्रसिद्धि दिलाई थी। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे नवगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी पर आधारित यह सीरियल था। दोस्तों, आज हम उसी किले को देखने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलिए हम चलते हैं चंद्रकांता। विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मऊ कला नामक गांव में स्थित है, जो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से 30 किलोमीटर दूरी पर और बनारस से लगभग 110 किलोमीटर दूर। चतरा से निकलने पर धंधरोल बांध का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं अगर दूर से देखा जाए तो पहाड़ी के ऊपर विजयगढ़ का किला दिखाई देता है, जैसा कि तीर के निशान में दिखाई दे रहा है। धंधरोल बांध के आगे का रास्ता बिल्कुल सुनसान सा होता है, जंगल भी बहुत घना होता है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे दिन में ही आएं, क्योंकि जंगल बहुत घना है और जंगल में कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। सुनसान जंगल से होते हुए आखिरकार हम किले के नीचे आ चुके हैं। अभी भी किला लगभग हमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि सड़कें जो हैं चढ़ाई पे तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। तो दोस्तों, नीचे से हम किले का एक नज़ारा दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदरता के मामले में ये किला जाना जाता है। ये किला चंद्रकांता का किला बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, हम लोग लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो है विजयगढ़ किला का वो दिखाई दे रहा है नीचे का। तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखानी चाहिए। दोस्तों, अगर ये YouTube चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के फ़ोन में आ जाए। दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं और आप लोगों को विजयगढ़ किला का जो रहस्य है, विजयगढ़ किला की जो प्राचीन दीवारें हैं उनको दिखाने का प्रयास करना चाहेंगे, और इस किले के जो भी अद्भुत रहस्य या फिर जो भी चंद्रकांता का महल हो, चाहे उनका बेडरूम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो भी किले में मौजूद है वो हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों, आखिरकार 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार हम इस गेट के पास आ ही चुके हैं। दोस्तों, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत थकान हो चुकी थी। लेकिन इस किले के ऊपर पहुँचने के बाद, इस सीढ़ी तक पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था कि मानो ऐसे कि थकान गायब सी हो गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिले यहाँ आने का तो बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। इस किले पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी तक तो हम किले में पहुँचे ही नहीं हैं अभी तक। तो दोस्तों, जैसे ही हम किले के दरवाजे से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सुंदर सा तालाब दिखाई पड़ता है। ये तालाब एक अद्भुत तालाब है। माना जाता है कि किले के अंदर लगभग 7 ताल हैं, जिसमें से 7 ताल में से 2 ऐसे तालाब हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता है, चाहे भयंकर कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन इसका पानी नहीं सूखता है। आप जानते हैं कि भयंकर गर्मी से तो बड़ी बड़ी नदियां भी सूख जाती हैं, गंगा जैसी नदी भी सूखने लगती है, लेकिन इस आश्चर्यजनक किले पे मौजूद जो ताल है उसका पानी कभी नहीं सूखता है। दोस्तों, यहाँ से एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है कैमरामैन। तो दोस्तों, जैसे ही हम तालाब से आगे बढ़ते हैं हमें कुछ खड़े पिलर दिखाई देते हैं। हो सकता है कि उस ज़माने में ये कोई मकान हुआ करते रहे होंगे जिसकी छतें गिर गई हों, बट ये भी हो सकता है कि ये इसमें घोड़े बांधने के अस्तबल हो सकते हैं, क्योंकि अस्तबल घोड़े उस समय आधुनिक वाहन नहीं हुआ करते थे। लोग राजा महाराजा घोड़े गाड़ी का ही प्रयोग करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे, घोड़े की सवारी करते थे।
दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोगों को घूमने का मौका मिलता है तो इस किले में ज़रूर आइए, क्योंकि इस किले के अंदर ऐसी बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जिसे देख के आप बहुत संतुष्ट हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राम सागर तालाब के पास। राम सागर तालाब के विषय में दो तीन बातें बहुत प्रचलित हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि इसकी अथाह गहराई है, इसकी गहराई का अनुमान आज तक कोई नहीं लगा सका। दूसरी बात यह प्रचलित है कि इसके तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है और इसे असुरायन तालाब भी कहा जाता है। माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे अदृश्य महल हैं जिनका रास्ता इस तालाब से होकर जाता है। और दूसरी चीज़, राजा महाराजाओं के समय इसमें इस तालाब से बर्तन निकला करते थे। राजा महाराजा भोजन करके उस बर्तन को धोने के बाद इसमें डाल दिया करते थे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तालाब है विजयगढ़ किला के अंदर। दोस्तों ऐसे दो तीन तालाब, लगभग 7 तालाब हमारे इस विजयगढ़ किला के अंदर मौजूद हैं। बताया जाता है कि 2-3 ऐसे तालाब हैं जिसका पानी कभी नहीं सूखता। और अगर आप लोग इस तालाब आएँ विजयगढ़ किला, दोस्तों राम सागर तालाब के बगल में हमें एक कुटिया लगी दिखाई पड़ी। इस कुटिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हाल फिलहाल में कोई यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है। कुटिया के अंदर हमने देखा तो एक हवन कुंड बना हुआ था। तो पता चला कि चैत महीने में, अप्रैल महीने में यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से महात्मा लोग आकर यहाँ पे हवन का कार्यक्रम करते हैं। दोस्तों अगर आपको मौका मिले इस मेले का आनंद उठाने के लिए तो ज़रूर आइए। और इस मेले के समय यहाँ का जो नज़ारा होता है काफ़ी आश्चर्यजनक और अद्भुत नज़ारा होता है। दोस्तों आखिरकार 52 बीघे के किले को घूमते घूमते हम आ चुके हैं चंद्रकांता महल के पास। चंद्रकांता महल के आगे की तरफ जो इसका जो गेट है, गेट को देखने से लगता है कि कितना अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इस किले को बनाया गया था। दोस्तों जैसे किले के अंदर हम प्रवेश करते हैं, बहुत सारे ईंटें पत्थर गिरे दिखाई देते हैं किले की दीवारों पे बहुत सारे पेड़ उग चुके हैं। आप जानते हैं कि ये किला अभी वर्तमान समय में एकदम खंडहर के रूप में बदल चुका है। इसकी दीवारें बिल्कुल जर्जर सी हो गई हैं। दोस्तों मैं अपने प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस किले की मरम्मत करके, इस किले को यहां पे किले के ऊपर शौचालय और पानी का व्यवस्था करके आप इस किले को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बना सकते हैं। दोस्तों यह किला जिस समय रहा होगा कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक दिखाई देता रहा होगा। दोस्तों आज देखा जाए तो किला बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। दोस्तों यहाँ घूमने के पर्पज़ से आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और किले की दीवार को गंदा करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हमारा ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर की दीवारों को गंदा न करें, क्योंकि आप इस धरोहर की दीवार को गंदा नहीं कर रहे हैं, अपने देश की छवि को मैला कर रहे हैं। दोस्तों हम सब मिलकर इस किले पे अनावश्यक चीज़ें ना लिखें। अनावश्यक चीज़ें लिखने से ये किला की दीवार गंदा होती है। दोस्तों ये है एक बेहतरीन ऐतिहासिक किला है, इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है और चंद्रकांता किला भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों ये चंद्रकांता का किला बेहद खूबसूरत और आकर्षक किला दिखाई देता है। दोस्तों इस वीडियो को इस किले के आंगन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस किले की दीवारें काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी दर्शक यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आता है और इस दीवार पे कुछ भी लिख देता है जिससे इस किले की दीवार गंदी हो जाती है। दोस्तों मैं अपने प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस किले को संरक्षण प्रदान करें ताकि यह किला सुरक्षित रह सके, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी इस किले का भरपूर आनंद उठा सके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चंद्रकांता महल के पीछे। चंद्रकांता महल के आगे भी एक तालाब मौजूद था और पीछे भी एक तालाब मौजूद है। हम जानते हैं कि चैत माह में जब यहाँ पे मेला लगता है, मेला का आयोजन होता है, तो कांवरिया लोग यहाँ से जल भरते हैं और जल भरकर शिवद्वार मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। यह भी एक असुरान तालाब है, तिलस्मी तालाब भी इसको भी कहा जाता है। दोस्तों यह भी उन तालाब में मौजूद है जिसका पानी कभी गर्मी में नहीं सूखता है। दोस्तों यह भी एक अथाह सागर है
इसका भी पानी कभी भी गर्मी में नहीं सूखता है। इस तालाब का भी अनुमान कितना गहरा है, इसका गहराईपन अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। दोस्तों ये वीडियो आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अभी बहुत कुछ इस किले के अंदर मौजूद है जो आपको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंतिम तक। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत, यहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता, जल रही है चंद्रकांता। तो दोस्तों आखिरकार हम मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। अंदर की तरफ जैसे ही प्रवेश करते हैं बहुत सारे पिलर दिखाई पड़ते हैं। ये पिलर लोग बताते हैं कि ये कचहरी हुआ करते थे, राजा महाराजा अपनी आम जनताओं के समस्या का समाधान यहीं से करते थे और उन्हें न्याय दिलाते थे। दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो यहीं पे राजा महाराजा बैठकर अपनी जनता के प्रति न्याय करते थे। दोस्तों अगर आगे की तरफ हम देखते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मुख्य द्वार पे दीवारें खड़ी दिखाई देती हैं। बाहर की तरफ हम जाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे जर्जर हो चुके हैं, दरवाजे वगैरह सब जर्जर हो चुके हैं। बाहर की तरफ जैसे ही प्रवेश करते हैं बहुत सारे नज़ारे ऐसे दिखाई देते हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, एकदम खंडहर में बदल चुका है ये किला। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आज भी ऐसी गुफाएँ मौजूद हैं जो नौगढ़ से चुनारगढ़ किले तक जाने का एक सुराग है। हम जब चढ़ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो आप देखें कि बहुत सुंदर सीढ़ियाँ दिख रही थी जिनका निर्माण भी हाल ही में किया गया है, लेकिन मुख्य द्वार की सीढ़ियाँ आज भी उसी हालत में जर्जर पड़ी हुई हैं। ये जो आप द्वार देख रहे हैं इसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, जो अभी खंडहर में बदल चुका है। नीचे का नज़ारा की बात करें तो फिर एकदम भयावह नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों एकदम ये किला भयावह दिखाई देता है। दोस्तों